हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश यार और आप देख रहे हैं सीएबी इन्फोवेंट्री। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक और लैंडमार्क केस के बारे में और वो है मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हां, मानेका गांधी वाइफ ऑफ संजय गांधी एंड पुत्रवधू ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। ये केस एक लैंडमार्क केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये केस लैंडमार्क रहा है आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में और ये कहा जाता है कि परहैप्स फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन में इस केस के बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का फर्दर एक्सपेंशन हुआ और आर्टिकल 21 को एक नई लाइफ मिली, एक नया एक्सपेंशन मिला जिसे हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब हम समझते हैं कि इस केस में ऐसा क्या हुआ था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। बात है ईयर 1977-78 की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी के बाद द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी की इमेज बैडली टार्निश हुई थी। 1977 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो हार गई थी और जनता पार्टी पावर में आ गई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। मिसेस इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ मानेका गांधी एक मैगजीन चलाती थी जिसका नाम था सूर्य मैगजीन। कहा जाता है कि वो संजय गांधी के कहने पर इस मैगजीन को चलाती थी। एक बार की बात है कि सूर्य मैगजीन में एक तड़कती भड़कती न्यूज आती है जिसमें कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम के बेटे की कुछ स्कैंडलाइज पिक्चर्स वहां पर पब्लिश की जाती हैं। अब इसके चलते जनता पार्टी बहुत नाराज हो जाती है मेनका गांधी से। किसी डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड पर्पस से स्पीच देने के लिए मेनका गांधी उस समय विदेश विजिट करना चाहती थी। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने उस समय उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर दिया और उनको फॉरेन ट्रेवल नहीं करने दिया गया, उनको एब्रॉड फ्लाई नहीं करने दिया गया। मेनका गांधी को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इमीडिएटली एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि मेरा आर्टिकल 21 इंफ्रिंज हुआ है। उनके हिसाब से आर्टिकल 21 उनको देश से बाहर फ्लाई करने का राइट देता है। मानेका गांधी का कहना था कि मेरे एब्रॉड फ्लाई करने को रोका गया है और ये मेरा फंडामेंटल राइट था। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और क्वेश्चंस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और उनको चैलेंज किया। आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस थे जो मानेका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे अपने इस पासपोर्ट इंपोर्ट केस के कनेक्शन में। उनके हिसाब से अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एक प्रोटेक्शन है, तो अगर गवर्नमेंट मुझको फॉरेन ट्रेवल करने से रोक रही है तो कहीं ना कहीं मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। मानेका गांधी का कहना था कि इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट मेरे साथ एक इनइक्वालिटी भी प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि मुझे किसी भी आधार पर नहीं रोका जा रहा है विदेश जाने से। मुझे सिर्फ एक पॉलिटिकल रिटेलिएशन की वजह से बाहर जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने ये बात अपनी कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने भी देखा और जब सरकार से कहा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जिसके बेसिस पर आपने
मानेका गांधी को विदेश जाने से रोका है और रीजन पूछा कि क्यों आपने इनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया है, तो सरकार के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था, कोई जवाब नहीं था इसके फेवर में, और गवर्नमेंट ने कोई भी इसके लिए प्लाउजिबल रीजन सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट नहीं किया। इसके साथ ही साथ मानेका गांधी ने कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट भी दिया कि अगर आप मेरा आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज करते हैं तो इसके साथ ही साथ आप मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं। मानेका गांधी का ये सबमिशन था कि शायद गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मैं सूर्य मैगजीन बंद कर दूं, मैं गवर्नमेंट के प्रेशर में आ जाऊं। मानेका गांधी का कहना था कि आप मेरा 19(1)A भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं और इन इक्वलिटी तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ कोर्ट ये देखना चाहती थी कि ये जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है 1967 के पासपोर्ट एक्ट का, पासपोर्ट रूल्स का, क्या वो भी ठीक प्रोसीजर है या नहीं। तो कोर्ट के पास एक नया क्वेश्चन फिर से आ गया जो कि एके गोपालन के केस से चलता आ रहा था कि क्या हम भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ही फॉलो करेंगे या फिर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मानेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट को देखना था पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10(3)C को भी, जो गवर्नमेंट को पावर देती थी कि वो किसी के भी पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकती है विद नो रीजन, तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, क्या वो उसका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। कोर्ट को इस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी देखना था कि क्या वो यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वो ब्रीच तो नहीं हुआ है। तो ये सारे सवाल कोर्ट में पहुंचे मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब जो पिटीशंस कोर्ट के सामने लगाई गई थी, इसमें ये डिसाइड करना था कि वो कौन कौन सी ठीक हैं और कौन कौन सी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले कोर्ट ने इश्यू उठाया आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन का। आर्टिकल 21 के लिए उस समय ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, सतवंत सिंह साहनी वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर का केस, और ये केस डिसाइड किया था 1967 में। दिस वॉज अगेन ए लैंडमार्क केस, एन इम्पोर्टेंट केस ऑल्सो, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कैटेगरिकली डिफाइन कर चुका है कि राइट टू लाइफ में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड और राइट टू फ्लाई अब्रॉड भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई क्योंकि वो इस इश्यू को ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था सतवंत सिंह साहनी के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मानेका गांधी को बाहर फ्लाई या ट्रेवल करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लाइफ इंफ्रिंज कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू लाइफ में राइट टू ट्रेवल भी इंक्लूडेड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सतनाम सिंह साहनी के केस में हेल्ड कर चुकी है। मुझे यहाँ पर एक चीज आपसे शेयर करनी है कि ये केस सतनाम सिंह वाला भी तब आया था जब गवर्नमेंट ने पासपोर्ट एक्ट 1967 को बनाया था। इसके अलावा जो सवाल मानेका गांधी ने अपने केस में रेस किए थे वो थे कि क्या आर्टिकल 21 ब्रीच होने से आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 भी ब्रीच होता है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ही कैटेगरिकली कहा हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को टेस्ट करना है तो जब आपकी राइट टू लाइफ इंफ्रिंज हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ भी इंफ्रिंज हो रही है, क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि आपकी राइट टू इक्वलिटी भी इंफ्रिंज हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आपके जीने के अधिकार को रोक रही है, क्योंकि
स्पीच और एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक एनिमल को ह्यूमन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आर्टिकल 21 में सिर्फ एनिमलिस्टिक जीना ही जीना नहीं माना जाएगा, सिर्फ एनिमल की तरह जीना ही जीना नहीं माना जाएगा, बल्कि डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ को ही हम जीना कहेंगे। यहां पर आर्टिकल 21 में ये क्लियर कर दिया गया कि मियर जी लेने से आप ये नहीं कह सकते कि आपको आपकी राइट टू लाइफ मिल रही है, वो प्रोटेक्टेड है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए, कोर्ट ने कहा। आपके पास डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, आपके पास कहीं भी आने जाने की आजादी होनी चाहिए, आपके पास अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए, तभी हम आर्टिकल 21 को सही मायने में फुलफिल मानेंगे। तो अगर आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज होता है तो कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 भी इन्फ्रिंज हो रहा है। तो पहली बार कोर्ट ने यह कहा कि एक यूनिक रिलेशनशिप है बिटवीन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। अगर सरकार कोई ऐसा लॉ लेकर आती है, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेकर आती है, और अगर वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा होगा। अगर वो आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर रहा है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज ना कर रहा हो। तो कोर्ट ने यही कहा कि हर पार्लियामेंट के लॉ को इन तीनों आर्टिकल्स पर टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स म्यूचुअली एक साथ काम करते हैं। इन तीनों में म्यूचुअल एग्जिस्टेंस है। ये केस कई मायने में लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में प्रोपाउंड किया गया कंसेप्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इस लिंक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस को इनसेपरेबल कर दिया और इनकी एक सिंगल एंटिटी बना दी। अब किसी भी प्रोसीजर को वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि वो इन तीनों आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। इस तरह से पहली बार इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल का प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पर एक और कंसेप्ट उठाया और वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसको हम एक लंबे समय से देखते आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कैटेगरिकली आर्टिकल 21 में मेंशन है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आर्टिकल 21 का पार्ट हो, लेकिन उस समय जो हमारे काउंसलर थे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काउंसलिंग कर रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत की कोर्ट अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मैनेज कर पाए। तो अभी आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही रखिए। समय के साथ साथ जब आपकी कोर्ट्स इतनी एक्सपर्ट हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, आपके पास में मैन पावर होगा, कोर्ट्स ठीक से फंक्शन करने लग जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन सही डायरेक्शन में करने लग जाएंगी, तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मैकेनिज्म को आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और यही हुआ मानेका गांधी के केस में। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, मतलब हम सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उसके पीछे पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या है, पार्लियामेंट की मंशा क्या है। अगर वो इंटेंशन फेयरनेस देने की नहीं है, अगर वो इंटेंशन
ऑप्रेसिव है, अगर वो इंटेंशन आर्बिट्ररी है, फैंसीफुल है, तो हम उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने पहली बार ये एस्टेब्लिश कर दिया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही साथ जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, उस टेस्ट से भी पार्लियामेंट के लॉ को पास होना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है लॉ बनाने की, लेकिन पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो कितना फेयर है, कितना इंक्लूसिव है और कितना जस्टिस दे रहा है। अगर वो लॉ इंक्लूसिविटी नहीं दे रहा है, जस्टिस नहीं दे रहा है, फेयरनेस उस लॉ में नहीं है, तो हम उस लॉ को ऑप्रेसिव, फैंसीफुल और आर्बिट्ररी मानते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। पहली बार कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। और इसी के साथ साथ इस केस में यानी के मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया आर्टिकल 21 के बारे में। और इसके बाद हम देख रहे हैं ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करता रहा है, बहुत सारे नए राइट्स जोड़ दिए हैं, जैसे राइट टू क्लीन वाटर, क्लीन एयर, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू इंटरनेट, राइट टू फूड, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। ये सब 1978 के बाद एड होते गए और एवर एक्सपेंडिंग ऑर्गेनिक लॉ की तरह आर्टिकल 21 आगे बढ़ता जा रहा है। इस केस ने भारत को एक वेलफेयर स्टेट भी बना दिया, जैसा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी ये एंश्राइंड है। दिस केस मार्क द बिगनिंग ऑफ एन एरा ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो दोस्तों, इस केस ने जुडिशियल एक्टिविज्म की भी शुरुआत करी भारत में। इस केस ने पोस्ट डिसीशनल थ्योरी भी प्रोपाउंड करी। अब आप पूछेंगे कि ये पोस्ट डिसीशनल थ्योरी क्या है? तो दोस्तों, एक होता है प्री डिसीशन और दूसरा होता है पोस्ट डिसीशन। पोस्ट डिसीशनल हियरिंग वो हियरिंग है जो कि होती है प्रोविजनल डिसीशन लेने के बाद। ये प्रिंसिपल मानेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया। प्री डिसीशनल हियरिंग और पोस्ट डिसीशनल हियरिंग के बीच में एक नेक्सस है। पोस्ट डिसीशनल हियरिंग को इंट्रोड्यूस करने के पीछे लॉजिक था जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस इंक्रीज की जा सके और उसे मेंटेन किया जा सके। इस जजमेंट ने पर्सनल लिबर्टी के स्कोप को सिग्निफिकेंटली एनलार्ज कर दिया और फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ को भी प्रिजर्व किया। इस केस ने लेट डाउन किया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस बेसिस को जिसके बेसिस पर सेवरल राइट्स रिलेटिंग टू पर्सनल लिबर्टी क्लेम किए जा सकते हैं। इस केस ने एक डिस्टिंक्शन भी ड्रॉ किया एक पर्सन के राइट अंडर आर्टिकल 21 जो कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर डिनाई किए जा सकते हैं, और उसके राइट अंडर आर्टिकल 21 जो कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर उसे अवेलेबल हैं और जो कि डिनाई नहीं किए जा सकते हैं अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967। इस जजमेंट ने एग्जीक्यूटिव के अनचैलेंज एक्शन से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा पार्लियामेंट्री लॉ की सेंक्टिटी को भी प्रिजर्व किया जब सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3)(c) और 10(5) को स्ट्राइक डाउन करने से मना कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप
इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस यूट्यूब चैनल CABA इंफोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास टाइमली आ सके और अब और हम मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।